सर गुड आफ्टरनून। जी प्रणाम, बताएं सर मैं ये करता कि वो जॉब के लिए हम बात करनी थी। कहाँ से बोल रहे हैं आप। मैं सर इलाहाबाद से बात कर रहा था। अच्छा, डिटेल भेज दें आप अपना, हाँ जी सर। उस व्हाट्सएप पे अपना डिटेल भेज दें आप, अच्छा सर। अच्छा तो है ना। मुझे मतलब कैसे करेंगे सर, मुझे आना पड़ेगा या नहीं, हमारे व्हाट्सएप पे आप रिज्यूम भेज दें, फिर जैसा होगा इधर से आपको कॉल जाएगी। ये कहाँ का संस्थान है, कहाँ पे है सर? यही है, ओबरा के आसपास ही है, ओबरा सोनभद्र, नहीं, ओबरा के, ओबरा में ही सर की ओबरा से आउटर? हाँ उसको आप डिटेल उसमें भेजें पहले आप ना। जी सर। आप अपना रिज्यूम उस पर भेज दें हमारे व्हाट्सएप पे, फिर जैसा होता है फिर आपको कॉल की जाएगी इधर से। अच्छा तो इंटरव्यू सर आप ही लेंगे कि दूसरा कोई? जुगाड़ नहीं होगा सर? हमने एक बात कही आपसे ना, हमने उसमें लिखा भी है, जी नहीं कृपा करके फोन ना करें, हमने उसमें लिखा है। तो सर हम फोन इसलिए कर लिए कि सर आपके जुगाड़ अगर बन जाता तो जो भी होता कुछ दे पाके हो जाता सर। सर किस बात का जुगाड़? मतलब इससे बहुत सारे रिज्यूम आएंगे तो उसमें मेरा कैसे होगा सर? नहीं, जुगाड़ किस तरह का बताएं आप। सर मैं चाह रहा था कि इसी तरह हो जाए जॉब हमारी। नहीं, जुगाड़ बताएं तो कुछ रास्ता बताएं, आप किस जुगाड़ की बात कर रहे हैं। जुगाड़ सर मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर कुछ पैसे वैसे दे के काम हो जाता तो भी। अच्छा, कितना दे सकते हैं आप? अब सर जितना सैलरी देंगे उसका सैलरी 5 महीने वेतन दे देंगे। विवेक अपना क्या नाम बताएं आप? यादव। हाँ वैसे आप जिस नंबर पे आपने कॉल किया है ना, जी सर। जिस नंबर पे आपने फोन मिलाया है, जी सर। जी सर। ठीक है, काफी बड़े ही भरोसेमंद विश्वसनीय नंबर है, हाँ जी। हाँ जी सर। और इस पर कोई अगर जुगाड़ की बात करता है, लेन देन की बात करता है, तो वह हाँसी ऐप चला जाता है। क्या नहीं हो पाएगा सर तब? नहीं, हाँसी ऐप चला जाता है। हाँ सीए पर। अच्छा हाँ, हाँसी ऐप चला जाता है। ईमानदारी नंबर वन सर। और नॉलेज नंबर टू, और आपने ईमानदारी अपनी दिखा दी ना फोन पर ही। नहीं प्रमोद भैया हम ये कह रहे थे ना कि अगर कोशिश करें अगर हो जाए तो बेहतर होता। हाँ, नहीं, सवाल ही नहीं उठता। अगर कोई आप मुझसे इतने दिन से मीडिया लाइन में थे, ईमानदारी से रहे सर नहीं, जैसे कुछ आपने तो। फोन मिलाया तो नहीं कहा को हाँसी चला जाता है। अब मुझसे कोई ये बात उम्मीद करे कि किसी जुगाड़ के माध्यम से उसकी नियुक्ति करा देंगे, तो वह तो हमारे स्तर से आपको अच्छा नहीं लगेगा ये लाइन का ना, नहीं बात मैं समझ रहा हूँ सर। जैसे आप सोनभद्र जिले में रह के कोयला में अगर मतलब ऐसे एक ऐसे व्यक्ति को हम सवाल ही नहीं उठता है कि हम कहीं सस्ती करें। जी। नहीं ये तो आपका बड़प्पन है प्रमोद ठीक है भैया। ना, लेकिन ठीक है ना। मैं ये करता कि सोनभद्र वो भी ओबरा और शक्तिनगर में जैसे रह के व्यक्ति अगर ईमानदार बना रहे तो अपने आप में इतिहास में नहीं, बहुत और बड़ी बात है। नहीं, और हमारे पास क्या है, यही है ना, और क्या है, जी। और क्या है। अगर और किसी, आपका स्वास्थ्य पानी कैसा है? ठीक है, और कोई अगर मुझसे उम्मीद करता है ना, तो वह इसी उम्मीद के साथ करता है कि इनके द्वारा कही गई बातें काफी भरोसेमंद होंगी ना। प्रभु जी अभी आपकी लेखनी कहीं चल चल रही कलमबद्ध है कि छोड़ दिया मीडिया नहीं, लाइन? अपना छोड़ दिया हमने, और हम इसको अपना यूट्यूब चैनल खुद बना लिया। अच्छा अपना खुद का चैनल बनाया। जी, पहचान उसी, रहे हैं छोटे भाई को आप? सेव नहीं, अब नंबर इसमें, नहीं होगा यार, पहले जब आप थे तब पर भी नंबर आप सेव नहीं किए थे। दरअसल ईमानदारी का जो जिसके ऊपर भैया ना वो हो जाता है ना तो जल्दी ईमानदारी छोड़ता नहीं है। नहीं बड़ा आपको, मैं सोनभद्र में आपके साथ बहुत दिन रहा हूँ लेकिन फिर भी आपने नंबर सेव पता नहीं उसमें किया था नहीं नहीं सेव किया किए था। रहे होंगे, नंबर जाना पहचान लग रहा है, लेकिन मोबाइल है ना, कभी कभी इस्तेमाल नहीं होता, नंबर से हमको लगता है गायब भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो हाँ गया, कुछ हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल सर सही बात है। इसको किस नाम से सेव कर लें आपका? अब आपका अपना छोटा भाई शरद मिश्रा नाम है मेरा। हाँ, बड़ा अच्छा लगा, है ना, बड़ा अच्छा लगा कि कम से दरअसल कम। फेसबुक पे हमने देखा आपका, उनका हाँ, प्रमोद भैया से कौन से बहाने बात करें, उनका चलिए यही बहाना तुरंत मिल गया। मुझे नंबर भी आपका नहीं था तो मिल गया। तो चलिए भैया प्रणाम आशीर्वाद भी हो जाएगा और उसी बहाने बात भी हो जाएगी। नहीं हाँ, नहीं बड़ा अच्छा लगा। अब चाहते हैं कि जाने अनजाने में जितना परीक्षण होता है ना, आदमी उतना निखर के आता बिल्कुल भैया बिल्कुल भैया है ना। एकदम सच्चाई है। कहाँ है मिश्रा जी इस समय आप? हम तो वाराणसी में ही हैं अमर उजाला में। अच्छा,